यानी इस बार भी ये टीम कयामत के लिए तैयार है। उधर स्टीलर्स को भी तो हिसाब बराबर करना है, उसके लिए शो स्टॉपर शादलू की आमद हो चुकी है, मतलब इस सीजन पिछली कसर का असर दिखेगा। मैच नंबर टू, डे नंबर टू, स्टीलर्स वर्सेस बल्टन, और ये मुकाबला आपको याद होगा सीजन 10 का आखिरी मुकाबला था। और इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों टीमें सीजन 11 का अपना पहला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स रनर्स अप थे और यहां शुरुआत की बहुत ही सफाई के साथ, थोड़ी सी अपनी स्टाइल चेंज किए फेस की। लेकिन रेडर्स की आवश्यकता पड़ती है पाजी, वन पॉइंट पुनेरी पल्टन, और ये पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। बहुत ही अच्छा टैकल ये राहुल चेतपाल का, मौका दिया नहीं थोड़ा सा भी हिलने के लिए। लीजिए मोहित गोयत ने एक और शिकार किया, पुनेरी पल्टन हप्पिक का, जहां से उन्होंने पिछली बार अपने आप को छोड़ा था। और ये इस बार डिफेंस कमाल का, राहुल सेतपाल, आपकी नजरें शादलू पर है लेकिन राहुल सेतपाल अपना काम कर जा रहे हैं, ये भी एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। आपने हर बार देखा है एक अलग ही स्टाइल में, और अब ये रेड करने भी आए हैं। ओहो हो, क्या बेहतरीन किक वहां पर, लेकिन जोश के साथ संयम भी रखना होता है। बिल्कुल, अगर आप जोश में होश को खो गए तो फिर परेशानी होगी। और यहां अपना टॉप फॉर्म बरकरार रखा है, डिफेंस की गलती थी पूरी तरह से, पकड़ मजबूत नहीं। मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मोहित गोयत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। गार्डन में घूमोगे तो ऐसा ही होगा। मनिक अंदर सामने मौजूद थे, टच करके निकल गए, एक पॉइंट भले ही मिला लेकिन ऑल आउट की दहलीज पर टीम को पहुंचा दिया। क्या ये अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचा सकते हैं? नहीं, रेड आउट, पुनेरी पल्टन ने बचाई तुतारी, 1+3 points पुनेरी पल्टन। अगर आपके दोनों पैर हो गए तो फिर मोमेंटम टूटता है, बाहर होना पड़ेगा आपको, ऑल आउट हुए इसके साथ ही। हरियाणा स्टीलर्स, शादलू को पसंद नहीं आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन हरियाणा, ये बदलेगा हरियाणा स्टीलर्स, नंबर 77 एट आउट, दो पॉइंट लगाई यहां डुबकी लगा के। बहुत ही अच्छा एस्केप है शिवम पठारे का, चेन के नीचे से निकले। ओ व्हाट अ बैक किक, राहुल सेतपाल को मैट के अंदर तारे नजर आ गए होंगे। बैक टू बैक, एक के बाद एक पुनेरी पल्टन के दिग्गज रेडर्स के अपना कमाल दिखा रहे हैं। 15-7 पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, हर खिलाड़ी इनका सुपरस्टार। क्या बढ़िया डुबकी यहां पर लगाई। रिव्यू आ रहा है, व्हाट इज योर चैलेंज? You want 3 points, yeah, yeah. Please. TV umpire, Puneri Paltan challenge 3 points. Our decision 2 points. Please review. Chain लेकर आए थे संजय, ग्रिप बना नहीं पाए, संजय को तो टच हुआ है, इसके बाद ये दूसरा टच और मणिकंदन का भी टच हुआ है संजय दा, ये 3 point। अब देखिए ये हाथ जो है मणिकंदन का वो पैर पे लग रहा है पंकज मोहिते के,
ओके रिव्यू सक्सेसफुल थ्री पॉइंट्स पुनेरी पल्टन कैप्टन यू हैव रिटेन योर रेड एचपी रेसर जेम 6 सुपर रेड पावर टू थ्रिल एक और सुपर रेड हमने आज देखी क्या कमाल का प्रदर्शन कितना बढ़िया अनुमान गौरव खत्री खतरा हो आप रेडर्स के नाम एक बार फिर गौरव खत्री ने साबित किया कि वो इस टीम के दिग्गज डिफेंडर है अपना हाई फाइव पूरा किया संयम 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 पेशेंस दिखाए हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडर्स और वो पेशेंस काम गया मोहम्मद रजा शाटू ने अपना खाता खोला टू पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स सुपर टैकल कामयाब हुआ रफ सुपर टैकल यानी मगर की जकड़ बहुत मजबूत है जकड़ शाहदलू की बड़ी रेड की जरूरत यहां पर हरियाणा स्टीलर्स नंबर 10 आउट इस गेम में बने हुए हैं हाफ टाइम और इसी के साथ पहला हाफ समाप्त हुआ है यहां पुनेरी पल्टन ने अच्छी बढ़त हासिल की है डिफेंडिंग चैंपियंस है ट्रॉफी उनके पास है डू अ डाई यानी के बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते और लौटेंगे भी नहीं क्या डाइव किया अद्भुत डाइव किया वहां पर अमन का ये शानदार डाइव जैसे इंतजार कर रहे थे नजरें गड़ाए बैठे थे कि कब डाइव करें केवल 7 सेकंड बाकी है और धर लिए गए हरियाणा स्टीलर्स द्वारा रेड राउंड पेशेंस रखना होता संयम रखना होता धैर्य रखना होता है डिफेंडिंग साइड को वो डायरेक्ट के दौरान क्योंकि गलती रेडर करता है पुनेरी पल्टन के टू डायरेक्ट देखिए किस तरीके से सफल असफल देखने को मिले और यहां पर हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस फाइनली काम कर रहा है हरियाणा स्टीलर्स कुछ सिंगल जाके ब्लॉक किया शादलू ने यहां पर सूर्या सूरज डूब गया रेड राउंड वन पॉइंट पुनेरी पल्टन पुनेरी पल्टन के डिफेंस ने सूर्या को बाहर किया सूर्या अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे बाउंस कर रहे हैं असलम इनामदार उन्हें पता है समय कम बचा है और दोस्त ने दोस्त को छप्पी दी वन पॉइंट हरियाणा स्टीलर आखिरकार मोहम्मद रजा शादलू ने अपने पिछले साल के कप्तान को गले लगाकर कहा आओ भाई आओ पांच का डिफेंस ओहो यहां पर अपनी सीमाओं को नहीं समझ सके शादलू जहां पर जाकर के एडवांस टैकल किया ये भूल गए थे कि वो टैकल पंकज मोहिते पर कर रहे हैं हरियाणा स्टीलर की कोशिश सेल्फ आउट हो गए राहुल सेतपाल अब साहिल को बाहर करके खेल यही खत्म करे और साहिल क्या बात है कोशिश भरपूर करी है साहिल ने 2+2 4 पॉइंट्स इसी के साथ ऑल आउट किया एक और बार पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को जिस तरह से हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश थी रविंदर पहल की याद दिला दी उन्होंने के डिफेंस में लाजवाब काम करके दिखा हरियाणा स्टीलर्स की डिफेंस में पर वही दिक्कत रही है रेडर्स में जिन्होंने बहुत पॉइंट नंबर 8 आउट भी किए और इंप्रेसिव रहा आज का डिफेंस हरियाणा स्टीलर्स का यस प्लीज नो पोचिंग ड्यूरिंग दैट प्लीज शुरुआत से ही अगर ऐसे लगाते और यहाँ पे बोनस के साथ साथ 3 पॉइंट ले गए संजय दा 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स नंबर 4 आउट बढ़िया संग्राम एक साथ 2 रेडर मिडलाइन को क्रॉस नहीं कर सकते वही गलती यहां पर हुई चलिए जैसा भी हुआ 10 पॉइंट के फासले से पुनेरी पल्टन ने पहला मैच जीत लिया पिछले सीजन का फाइनल इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट के फासले से जीता था 28-25 से जीता था
लेकिन आज सीजन 11 का आगाज 10 पॉइंट की जीत के साथ किया है और स्टीलर्स के लिए ये थोड़ा सा परेशानी का मामला होगा।